बहन जी ये पानी क्यों फेंक दिया? अरे नल में ताजा पानी आ रहा था उसे भरने के लिए। लेकिन बहन जी इस पानी का इस्तेमाल आप दूसरे कामों के लिए भी तो कर सकती थी। हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। पानी को बर्बाद करने से पहले पानी की अहमियत के बारे में जरूर समझें। जल आज बचाओगे तो कल पाओगे। पिताजी, माँ, मैं वोट करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देख रही हो, जब भी वोट देने जाता है तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाता है। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवा। देखिए अलग से हैशटैग, अब इन्होंने अलग अलग कर दिया इसको। अब इसके भी जो है अलग अलग काम है, क्योंकि कई बार बैटरी लो का बीच में ऐसा हो जाता था प्रॉब्लम, तो वहां पे हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता था। सांबा जिले च जिला प्रशासन आसा एक जागरूकता कैंप लोआया गया, जेदे च मकामी लोकें सने कई पंचें सरपंचें हिस्सा लैता। प्रशासन आसा ईवीएम मशीनें कने वीवीपैट दी भी जानकारी दित्ती गई, जिसी पहली बारी इस्तेमाल कीता जा करदा है। इस मौके उपर एसीडी मुदस्सर लतीफी खास तौर उपर हाजिर है। उन्दे कने सांबा दे ब्लाक विकास अधिकारी सने कई और अधिकारी भी मौजूद है, जिन्हें लोकें गी विस्तार च समझाया जे इस बारी वोटर गी मेदवार दी फोटो भी लभग, जेदे कने वोटर गी कोई भी परेशानी नहीं होग ते ना गै कोई शक शुबा होग। उधमपुर दे जिला अदालती परिसर च स्वीप तहत एक जागरूकता कैंप लोआया गया, जेदा सरिस्ता उधमपुर दे इलेक्शन सेल ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दे सहयोग कन्ने कीते दा हा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर कुसुम चिब इस मौके मुख परौहणियां हियां। आंदे चुनाएं दे इस्तेमाल होने वाली नवीं वीवीपैट मशीनें दे इस्तेमाल बारे लोकें गी जागरूक कीता गया। हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की हमारी एक स्पेशल मुहिम है जो हमने चलाई है। हमने हर वो पोलिंग स्टेशन जहां पर कि हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वहां पर हमने कुछ अपने ऑफिशियल्स जो हैं वॉलंटियर्स लगाए हैं, जिन्हें हमने दिव्यांग दूत का नाम दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू यानी आईआईएम जम्मू का दुआ सालाना दीक्षांत समारोह आज टीचर भवन जम्मू च करवाया गया। कुल 82 विद्यार्थियों की डिग्रियां प्रदान की गई। इस मौके रियासत के गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक और मुख्य परौहणे हैं, जिन्हें शिक्षा के ज्ञान की महत्व पर लो पाई। उन्हें आखिर शिक्षा ना इंसान पूरी चाली सशक्त बनता है। उन्हें विद्यार्थियों की आशीर्वाद देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। आईआईएम जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर बीएस सहाय और इस मौके आख्या जे बड़े सुखने बड़ी सोच के बड़े काम योग्य नेताएं का आदर्श होना लोड़दा है। ना उसके पुल हैं, ना उसके कारखाने हैं, ना उसकी इमारतें। देश की ताकत, उसकी पूंजी, उस देश के पढ़े लिखे काबिल टेक्नोलॉजी में माहिर नौजवानों की फौज है। यही सबसे बड़ी ताकत देश की है। और आप उस ताकत के एफेक्ट से हैं। सबसे बेहतरीन किस्म की एजुकेशन इलीट कॉलेज में पाके आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप समझिए आप अपने मुल्क के हीरे हैं। आपके देश फख्र कर सकता, आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें कर सकता। आज विजयपुर च पुलिस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट च पासिंग आउट परेड का सरिस्ता किया गया, जिदे च 47 पुलिस वायरलैस ऑपरेटर पास होए ते उन्हें गी भारतीय संविधान तहत एकता ते अखंडता की सगंध चुकाई गई। मौके उपर सशस्त्र पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल दानिश राणा और मुख्य परौहणे हैं, जिसलै के पुलिस हैडक्वार्टर के इंस्पैक्टर जनरल आनंद जैन और मानजोग परौहणे हैं। खरी कारकरदगी दसने आले रंगरूटें गी ट्रॉफियां ते सर्टिफिकेट दिते गए। नवें सखेत्रों गी संबोधित करदे होए आईजीपी दानिश राणा होरें उनेंगी राष्ट्र आस्ते सच्ची लगन निष्ठा ते ईमानदारी कन्ने काम करने लई आख्या। पूरी टीम, खास करके आपके उस्ताद इंस्पेक्टर्स जिन्होंने आपको यहां पे ट्रेनिंग दी, और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं कि आप उनके बच्चे इस धरती में बड़ी शान के साथ देश की सेवा करने के लिए
पहला कदम उठाएंगे। रियासी कल्चरल अकेडमी दे सचिव डॉक्टर अजीज हाजनी होरें गी अज केएल सहगलौल च आयोजित एक समारोह च बधाई दित्ती गई। अकेडमी च चार बरे बतौर सचिव काम करने परैंत हाजनी होर कल 31 मार्च गी रिटायर होआ करदे न। साहित्य अकेडमी थमां सम्मानित हाजनी होरें अपने जीवन काल च कई बक्ख बक्ख विभागें च काम कीता। अकेडमी दे कई अधिकारियों के इलावा समारोह च कई लेखक ते बुद्धिजीवी भी शामिल होए। है पहाड़ी के नुमाइंदा अदीब और आर्टिस्ट हैं, गोजरी के नुमाइंदा अदीब और आर्टिस्ट हैं, बल्दी के नुमाइंदा अदीब और ऑफिसर्स हैं, लद्दाखी के, तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर एक छोटे से हाथ में सिमट कर आ गई है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और शामिल लोगों में आरिफ सहबाजी जैसी शख्स, तो ये जो रिटायरमेंट होती है, जाना आना होता है, उधमपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन ने जागतें ते कुड़ियें गी बेहतर मंच उपलब्ध कराने लई सुभाष स्टेडियम उधमपुर च 29 मार्च थमां 31 मार्च तोड़ी 21वीं सीनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप दा सरिस्ता कीते दा है। जम्मू प्रांत दे बक्ख बक्ख जिले दियां कुल 18 टीमां एदे च हिस्सा लै करदियां न। चैंपियनशिप दे अज दुए दिन 4 मैच खेडे गए। सीआरपीएफ दी 137वीं बटालियन दे कमांडेंट मोहम्मद खालिद खान होर इस मौके मुख परौहणे हे। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च अज दिने दा बद्धोबद्ध तापमान 31.3 डिग्री सैलसियस, जिल्ला की कल राती दा घट्टो घट्ट तापमान 18.6 डिग्री सैलसियस दर्ज किया गया। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।